अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आज नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल रेसिपी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसको दम पे दे दिया, ठीक है, एक दो मरतबा खोल के देखा है, इसको हिलाया ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका, ठीक है। उसकी तरी भी देखें, शोरबा बिल्कुल जो है ना, जैसे देगी शोरबा होता है ना, अब इस मौके पे आके तो मैं गार्निश करूंगा इसको, कोरिएंडर को चॉप कर लेंगे। गाइस शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी आलू गोश्त। तो लेट्स स्टार्ट। दो इन मीडियम साइज के, तीन आलू और दो टमाटर, ठीक है। सबसे पहले तो इनको चॉप कर लेंगे इस तरह। छोटा छोटा चॉप कर लेंगे ताकि इसको गलने में आसानी हो जाए। साथ ही दो टमाटर कर लेंगे। आग मैंने चला दी है, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर मैं इसमें ऑयल डालूंगा। तब तक आलू को जो ना हो कर देंगे इनको पील कर लेंगे। पील करके ना रख लेंगे आलू को। तो यूँ आधा कप के करीब ऑयल डाल लें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। गर्म हो गया, सोटे कर लूंगा। सोटे करने के बाद इसमें जाएंगे साबुत मसाले, इसके बाद जाएगी अदरक लहसुन की पेस्ट। अभी मैं इसमें दो छोटी चम्मच जो ना वो अदरक लहसुन पेस्ट में डाल दिए। अनियन को हल्का सा ब्राउन कर लिया। अभी मैं 30 सेकंड भूनने के बाद मैं हल्का सा पानी लगाऊंगा ताकि अदरक लहसुन जो ना वो जल ना जाए। मैं अब डालूंगा साबुत मसाले, दो ड्राई चिली, ड्राई चिली टू,
ग्रीन कार्डमम, छोटी इलायची 5 के करीब, ठीक है, जावित्री है एक छोटी, ब्लैक जो इलायची है इसकी, काली इलायची छोटी बड़ी वाली, 2 तेज पत्ते, ठीक, 2 स्टार नीस है और एक छोटी चम्मच जो है ना वो साबुत दी गई है, क्यूमन होल 1 टीस्पून। तो मैं 1-2 मिनट भूनूंगा। भूनने के बाद इसको गाइस, अभी ये मैं 2 टमाटर जो मैंने चॉप किए थे ये डालूंगा। वन टीस्पून है टर्मरिक हल्दी गाइस, अभी मैंने 1.5 डाली है सॉल्ट, 1.5 चम्मच छोटी जो है ना वो सॉल्ट की है, नमक की, 1 टीस्पून है रेड चिली, 1 टीस्पून है हल्दी की, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च की और 1 छोटी चम्मच जो है ना वो हल्दी की डालती है। तो अभी मैं इसमें ये डालूंगा, मीट है गोट मटन, ठीक है, ये 1.25 kg है तकरीबन, 700 ग्राम है, आई जस्ट वॉश्ड, मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। तो इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह कर लेंगे ताकि मसाला इसका अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। तो आपको एडजस्ट मिक्स वेल, तो मैं थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दूंगा। गाइस मैंने अभी 5 मिनट के लिए दम दे दिया था इसको ताकि थोड़ा सा भून जाए। आई जस्ट पुट ऑन स्टीम फॉर 5 मिनट्स। अब मैं इसमें डालूंगा ये 2 छोटी है कसूरी मेथी की, 2 छोटी चम्मच फेनुग्रीक लीव, ठीक है, में 2 छोटी जो है ना वो क्यूमन एंड कोरिएंडर पाउडर है, धनिया और जीरा पाउडर 2 छोटी चम्मच, 2 टीस्पून क्यूमन एंड कोरिएंडर पाउडर, वन टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटी जो है ना वो काली मिर्च की चम्मच है, ठीक है, वो भी अभी से डाल देंगे, ठीक है, 1 टीस्पून है गरम मसाला, ऑल स्पाइसेस आई विल पुट एंड ऑफ व्हेन करी विल बी रेडी। अभी इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगा, शक्ल अभी से जो ना बहुत जबरदस्त आ रही है और भुना गोश्त जैसी शक्ल आ रही है, वो भी अभी कभी भुना के बताऊंगा, वो भी तकरीबन सिमिलर ही है, इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही है, लेकिन अभी गोश्त को तकरीबन 45 मिनट और लगने हैं क्योंकि इसको मटन को रेड मीट को इट टेक्स टाइम टू कुक लाइक अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट टू 1 आवर डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। मैं अभी ये चिली डालने लगा हूँ, दरमियान में कट लें, अभी मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूंगा, मैं अभी दम पे लगाने लगा हूं। अच्छा गाइस, अभी मैं ना 2
ग्लास जो है ना वो भर के पानी का डालने लगा हूं। इसको हिला देंगे इस तरह। हिलाने के बाद इसको मैं दम दे लूंगा 45 मिनट्स, मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट्स। ये मैंने कर दिए, ये देखिए मीडियम पे 45 मिनट्स आई विल पुट ऑन स्टीम। तो उसके बाद लेटर ऑन आलू डालेंगे तकरीबन 3, ठीक है। आई विल कट इन 2 or 3 pieces, देन आई विल पुट इन पोटैटोज इन द करी। अच्छा गाइस, इसको तकरीबन 45 मिनट हो गए, 45 मिनट्स, ठीक है। तो मैं ये खोलता हूँ, ये ऑयल भी आना शुरू हो गया। अभी इसको हिला के देखते हैं। इस मौके पे आके ये आलू डालूंगा, हाफ जो है ना वो छोटी चम्मच गरम मसाले की जाएगी, हाफ टीस्पून ऑल स्पाइसेस। इसको मैं अच्छी तरह हिला दूंगा। लाने के बाद फिर नमक भी चेक कर लेंगे, नमक भी ठीक है। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अभी इसको दम पे लगाऊंगा, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ठीक है, ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसको चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी कसर है इसको। ये मैं तकरीबन 50 मिनट इसको दम पे दे दिया है, ठीक है। एक दो मरतबा खोल के देखा है, इसको हिलाया ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका, ठीक है। उसकी तरी भी देखें, शोरबा बिल्कुल जो है ना, तो जैसे देगी शोरबा होता है ना। अब इस मौके पे आके तो मैं गार्निशिंग करूंगा, इसको कोरिएंडर को चॉप कर लेंगे। ठीक है गाइस, आज आपने देखी स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए आलू गोश्त, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। और इंशाल्लाह कल आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी वीडियो देखी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पे मेरा पेज है इसी नाम से, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। कोई भी आपकी सजेशन है, तो कोई भी आपकी फरमाइश है, तो प्लीज आप मैसेज करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे इंस्टाग्राम पे। ओके।